हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट्स ऑफ ESIC बताने वाले हैं। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे मेटर्निटी बेनिफिट्स। मेटर्निटी बेनिफिट्स क्या है, किस किस को मिलता है और फाइनली कितना मिलता है, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और इसको सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा कि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मेटर्निटी बेनिफिट क्या होता है। तो ये मेटर्निटी बेनिफिट्स उन सभी इंश्योर्ड विमेन को मिलता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने काम से छुट्टी लेती हैं। तो इसके अंडर आपको अपनी वेजेस का 100% बेनिफिट, जितने भी टाइम के लिए आपको मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा, आपको ESI डिपार्टमेंट उतना पैसा पे करेगा। तो अब जानते हैं कि ये बेनिफिट लेने के लिए कौन कौन सी इंश्योर्ड विमेन एलिजिबल होती हैं। तो पहला पॉइंट जो ध्यान में रखने का ये है, आपको मिनिमम 9 महीने सर्विस करनी है जिस दौरान आपने ESI का कंट्रीब्यूशन पे किया होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने का ये है कि आपके पिछले 2 कंसेक्यूटिव पीरियड में मिलाकर 70 डेज का ESIC कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर से मार्च, इन 2 पीरियड में मिलाकर 70 दिन का आपका ESIC कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो आप हो जाएंगे मेटर्निटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल। ये आप ऑनलाइन जाकर भी पता लगा सकते हैं कि क्या आप मेटर्निटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, ये हम आपको अभी ऑनलाइन आपके सामने करके बताएंगे। तीसरा प्रश्न जो आता है वो ये है कि कितना मेटर्निटी बेनिफिट आपको मिलता है। तो इसमें कुछ कुछ केसेस हैं, हम वन बाय वन उसकी बात करेंगे। तो ये जानने के लिए आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है या तो एक नॉर्मल डिलीवरी रिजल्टिंग इन अ बर्थ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, फिर चाहे वो कभी भी हुई हो, या फिर 26 हफ्तों के बाद आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी रिजल्टिंग इन बर्थ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड, या फिर एक मिसकैरेज पर 26 हफ्तों के बाद, इसको बोला जाता है कन्फाइनमेंट। तो अब समझते हैं कितना मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर 26 हफ्तों के बाद अगर मिसकैरेज हुआ है। उस केस में आपको मेटर्निटी बेनिफिट पूरे 26 हफ्तों का मिलेगा, और ये पिछले साल के अमेंडमेंट से ही लागू किया गया है। और इन 26 हफ्तों में से आप चाहें तो डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले भी अपने काम से छुट्टी ले सकते हैं, तब भी आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। पर ध्यान रहे, पूरा बेनिफिट मिलाकर 26 हफ्तों से ज्यादा नहीं हो सकता। सेकंड केस, अगर आपने बच्चा अडॉप्ट किया है तो उस केस में पहली कंडीशन ये है कि अडॉप्टेड बच्चा, पहले तो आपको लीगली अडॉप्ट करना है, दूसरा आपका अडॉप्टेड बेबी 3 महीने से छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों केस फुलफिल्ड हैं तो आपको 12 हफ्ते का मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा। तीसरा केस है मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है 26 हफ्तों से पहले, तो उस केस में आपको 6 हफ्तों का मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा। चौथा केस है सिकनेस अराइजिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान सिकनेस हो जाती है, तो उस सिकनेस के केस में आपको 4 हफ्ते का मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा। जो पांचवा केस है वो है डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी। इस केस में इंश्योर्ड वुमन को मिलने वाला सारा मेटर्निटी बेनिफिट उनके नॉमिनी को दिया जाएगा, तो आपने जिसको भी अपना नॉमिनी सेलेक्ट कर रखा है उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। एक और याद रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि इसमें एक कन्फाइनमेंट एक्सपेंसेस नाम से भी एक बेनिफिट होता है जो आपको तब दिया जाता है जब आपकी डिलीवरी एक ऐसी जगह पे हुई है जहां पे ESI के अंडर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है डिलीवरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उस केस में आपको 5,000 रुपए का एक लमसम बेनिफिट दिया जाता है जो इंश्योर्ड वुमेन को भी मिल सकता है या ऐसे इंश्योर्ड पर्सन को भी मिल सकता है जिनकी वाइफ की डिलीवरी एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पर प्रॉपर ESI फैसिलिटेटेड डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पर दोस्तों ध्यान रहे, ये बेनिफिट भी 2 कन्फाइनमेंट्स तक ही मिल सकता है, यानी 2 डिलीवरीज तक ही मिल सकता है, 3rd डिलीवरी के लिए बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये 26 वीक का बेनिफिट अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ही आपको मिलेगा। अगर आपका 3rd डिलीवरी होती है तो उस केस में आपको 26 वीक की जगह 12 वीक्स का ही बेनिफिट मिलेगा। पर इसमें आपको सर्वाइविंग वर्ड पे ध्यान देना जरूरी है, अगर आपकी टोटल 3 डिलीवरीज हुई हैं जिसमें से एक मिसकैरेज हो जाता है तो भी आपको 26 वीक का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके सर्वाइविंग चिल्ड्रन तो 2 हैं।
अगला टॉपिक यह आता है कि अगर आपको मेटर्निटी बेनिफिट क्लेम करना है तो वो कैसे क्लेम करें। तो उसके लिए एक फॉर्म 19 होता है जो आपको फिल करना है, अपने नजदीकी ESIC डिस्पेंसरी में जाना है, आपका वहां पर एक चेकअप होगा, वहां से आपको वो फॉर्म ESIC ऑफिस में जमा करवाना होगा, उसके बाद ही आपको ये मेटर्निटी बेनिफिट मिल सकता है। और जो दूसरा केस था जो मैंने बताया डेथ के केस में, जब पूरा मेटर्निटी बेनिफिट नॉमिनी को दिया जाता है, उसके लिए नॉमिनी को फॉर्म 20 भरना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि आपको मेटर्निटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये आप ऑनलाइन ESIC पोर्टल पर जाकर कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना है अपने एम्प्लॉय के ESIC पोर्टल पर। आप सर्च करेंगे गूगल पर ESIC एम्प्लॉय लॉगिन, तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। पहला ही लिंक आएगा esic.in/employee-portal-login, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो उस पोर्टल पर क्लिक करने पर जो यूज़र नेम है वहाँ पर आपको अपना IP नंबर डालना है और कैप्चा में आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट विंडो आपके काम की है वो है एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट। बाकी आप अपनी कॉमन इन्फॉर्मेशन ऊपर देख सकते हैं और अपना IP नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। जो लिंक यहाँ पर काम का है वो है एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, इस पर आपको क्लिक करना है। और आप जिन जिन ESIC के बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। मेटर्निटी बेनिफिट के लिए जैसा कि हमने बताया था आपकी मिनिमम सर्विस पिछले पीरियड में 70 दिन की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि इस IP की दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड की सर्विस 70 दिन से ज़्यादा ही है, तो ऑलरेडी यहाँ पर यस आ रहा है फॉर मेटर्निटी बेनिफिट। उसी तरीके से बाकी सारे बेनिफिट भी चेक किए जा सकते हैं आप एलिजिबल हो के नहीं। साथ ही साथ इसमें एक और लिंक को आप हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप नीचे अपना आधार नंबर भी सीट कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट आधार नंबर। जैसा कि जो लोग डिस्पेंसरी जा रहे हैं और जिनके पास टेम्परेरी कार्ड या ई पहचान कार्ड जिसको बोला जाता है वो है, तो उनके साथ आधार नंबर सीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस आधार नंबर पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं अपना आधार नंबर यहाँ पर अपडेट कर दीजिए और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका आधार नंबर अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप जानते ही हैं आपको लाइक का बटन दबाना है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। और अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम आगे इंटरेस्टिंग और वीडियोस कैसे बना पाएंगे। तो वीडियो पे लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।